लंकाशायर की खूबसूरत झील जो अक्सर इस मौसम में बरतानिया भर से आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बनती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से वीरान है। सयाह लॉकडाउन में नरमी और मौसम में बेहतरी की उम्मीद लगाए इस खूबसूरत झील की तरफ रुख करने के लिए बेताब हैं। शकील सलाम तफसील के साथ। जी, इस वक्त मैं ब्लैकबर्न और बोल्टन के दरमियान डावन के नजदीक इंट्विसल रिजर्वॉयर के नजदीक मौजूद हूं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत से लोग यहां इस मौसम में आते हैं। आज मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा था, बहुत से लोग अपने कुत्तों के साथ, बहुत से लोग साइकिलों के साथ आज इस मौसम से लुत्फानंदोज होने आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि दूसरे लोगों से समाजी फासला रखें, और इसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहां पर आए वो अपनी फैमिली के साथ, जिनके साथ वो घर में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, तो इससे कुछ लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। ये खूबसूरत जगह जो अक्सर बहुत ही मसरूफ होती थी आजकल के वक्त के मुताबिक, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो चहलकदमी नहीं है, वो रश देखने में नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मौसम का सही फायदा उठाया और उसको उसे एंजॉय करने के लिए आए। इंटविसल झील लैंकाशायर का एक खूबसूरत तफरी मकाम है जहां आमतौर पर दूर दूर से लोग आते हैं। इस झील का पानी मकामी वाटर कंपनी यूनाइटेड यूटिलिटीज की तरफ से घरों में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है। झील के इर्द गिर्द 7 किलोमीटर की वॉक के लिए अक्सर खानदान भर के लोग आते हैं। कोरोना वायरस की वजह से आजकल इस खूबसूरत झील में खामोशी छाई हुई है, लेकिन हालिया लॉकडाउन में नरमी के बायस अब लोग आहिस्ता आहिस्ता तफरी के लिए आते हैं। झील के इर्द गिर्द बने रास्तों से गुजरते हुए जहां तितलियां और परिंदे नजर आते हैं, वहां मुख्तलिफ दरख्त और फूल भी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। झील के इर्द गिर्द आने जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है और लोग चहलकदमी के लिए बाकायदगी से आते हैं। बेहतर मौसम के बायस अब तवक्को की जाती है कि लोग ज्यादा तादाद में आएंगे। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ शकील सलाम, दुनिया न्यूज, ब्लैकबर्न।